हरदोई में विद्यालय गए छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। प्रधानाचार्य का कहना है कि पानी पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया था, लेकिन उसकी मौत हो गई। छात्र के माता पिता ने बच्चों के विवाद में गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। इसके बाद शव को रखकर जाम लगा दिया गया। काफी देर तक हंगामा होता रहा। कॉलेज के प्राचार्य व दो अध्यापकों पर FIR दर्ज करने की बात पर परिजन माने। कोतवाली शहर क्षेत्र के 52 चुंगी रोड के मोहल्ला आलू थोक निवासी शोभित राकेश कक्षा 6 का सनातन धर्म इंटर कॉलेज का छात्र था। परिजनों ने बताया कि शनिवार की सुबह शोभित घर से विद्यालय गया और वहीं पर अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। विद्यालय से ही उसे निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां से जिला अस्पताल लेकर उसे पहुंचे और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रधानाचार्य विमलेश कुमार ने बताया कि विद्यालय में कक्षा में शोभित ने पानी पिया, इसके बाद उसकी सांस लेने में दिक्कत हुई तो उसके साथियों ने इसकी जानकारी दी, लेकिन छात्र की मां सुमन व पिता राकेश का कहना है कि शोभित का बड़ा भाई रोहित भी वहीं पर कक्षा 8 में पढ़ता है, उसे कोई जानकारी नहीं दी गई। उसका आरोप है कि बच्चों से विवाद हुआ और उसी में बच्चे या किसी अन्य ने शोभित की गर्दन दबा दी। मामले को दबाने के लिए विद्यालय ने उसे अस्पताल में पहुंचाया। परिजनों ने हरदोई सांडी मार्ग पर शव को रखकर जाम लगा दिया। SDM संजय सिंह व SSP ज्ञानंजय सिंह मौके पर पहुंचे और तहरीर के आधार पर FIR दर्ज करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। वहीं शोभित की मौत पोस्टमार्टम में भी राज बन गई है। पोस्टमार्टम सूत्रों के अनुसार उसके गले पर सूजन तो निकली, लेकिन मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा। परिजनों का कहना है कि गले पर निशान भी मिले हैं, हालांकि पोस्टमार्टम में बिस्तर सुरक्षित कर लिया गया है। फिलहाल छात्र के शव का डॉक्टरों का पैनल दोबारा पोस्टमार्टम करेगा। सनातन धर्म इंटर कॉलेज यहाँ पर है, वहाँ कक्षा 7 का एक विद्यार्थी था, उसकी जो है स्कूल में तबीयत खराब हुई थी, जिसको हॉस्पिटलाइज कराया गया था, उसकी डेथ हुई थी। उनके परिजनों का कहना है कि उसकी हत्या की गई है और हत्या में जो भी दोषी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। बातचीत करने के बाद उनको समझा बुझा करके पूरे प्रकरण में वहाँ पर जाम लगाकर उसको खुलवा दिया गया है और परिजनों के कहने पर री पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है, जिसमें उसकी वीडियोग्राफी और डॉक्टरों के पैनल से उसका पोस्टमार्टम कैसे कराया जा रहा है। और हमारे भाई का नाम शोभित शर्मा और हमारा नाम रोहित शर्मा, कक्षा 6 में पढ़ता है और उसकी मृत्यु हो गई, किसी ने बताया भी नहीं, गला दबाकर मार दिया और जब हमने देखा तो हमें मृत शरीर उसका मिला। उसका शरीर स्कूल में मिला। कल एक लड़के की मृत्यु SD इंटर कॉलेज में हो गई थी और उस पर FIR दर्ज करा दिया गया, पोस्टमार्टम करा दिया गया था। आज इनके द्वारा और कुछ अन्य लोगों द्वारा आज इस सड़क पे सांडी रोड पे जाम लगाया गया और हम लोगों ने उनको आश्वस्त किया है। इनके द्वारा मांग की गई कि पुनः पोस्टमार्टम पैनल से कराया जाए, तो तत्काल प्रभाव से भेज दिया गया, पैनल गठित कर दिया गया है और उनका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और इसमें जो भी दोषी होंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर FIR के आधार पर उनकी तत्काल गिरफ्तारी कराई जाएगी। मांग क्या थी इन लोगों की, क्या वजह है? इनकी मांग थी कि मौके पर उच्चाधिकारी आए तो हम लोग आ करके और इनकी समस्याओं का, इनकी जो मांग थी कि पुनः पोस्टमार्टम कराया जाए, गिरफ्तारी कराई जाए, तो दोनों चीज़ें कराई जा रही हैं। आरोप सर क्या लगा रहे थे, किन लोगों पर आरोप था? कुछ प्रिंसिपल पर और एक आध कक्षाध्यापक पर इनका आरोप है, जिनके खिलाफ इन्होंने तहरीर दिया है उनके विरुद्ध FIR दर्ज कर ली गई है और विधि सम्मत प्रभावी भारतीय दंड विधान संहिता के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।